नमस्ते भानु भैया। नमस्ते दीदी। जी भैया, कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे गृह कार्य पर स्टेप वन का, तो आपका स्वागत है भैया और सभी साथियों का भी स्वागत है हिंदी सत्र में। भैया, यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। जी नहीं दीदी, जी एक बार हैंड जो रेज है उसको अगर आप डाउन कर दें तो हाँ जी भैया, आप लोग वापस फिर सभी लोगों के क्वेश्चंस को टेकअप कर पाएंगे जो लोग इस सेशन में एड्रेस करें। जी नमस्ते, सभी साथियों को नमस्ते। हम लोग कल अभ्यास टू का स्टेप वन एक बार फिर से कल करने का प्रयास किए थे। उस क्रम में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था जो इसके बैकग्राउंड के रूप में था। हम लोगों ने अपने आप को समझने का प्रयास किया है लंबे समय से, जिसमें ये बात ध्यान में आई है कि हमारी आवश्यकताएं दो तरह की हैं। एक वो जो सामायिक है जिसकी आवश्यकता समय समय पर पड़ती है, एक वो जो कि कंटिन्यूअस है जिसकी आवश्यकता हमको हमारे में निरंतर बनी रहती है। एक वो जो क्वालिटेटिव है, दूसरा जो क्वांटिटेटिव है, वो आवश्यकता जिसकी पूर्ति किसी भौतिक रासायनिक वस्तु से होती है। एक वो जिसकी पूर्ति सही समझ सही भाव से होती है। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा और अपने में अध्ययन करने का प्रयास किया था, क्रिया के रूप में देखने का। तो हमें कुछ क्रियाएं ऐसे दिखाई देती हैं जो समय समय पर ही होती हैं, सामायिक हैं, एक इंटरवल है उसमें। लेकिन कुछ क्रियाएं जो हमें चल रही हैं वो निरंतर चलती रहती हैं, उस पर भी ध्यान दिया। तो इच्छा विचार आशा, ये कुछ निरंतर चलने वाली अपने भीतर क्रियाएं हैं। तो हम अपने भीतर दो तरह की आवश्यकताओं को, दो तरह की क्रियाओं को भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान देने का प्रयास किया था कि जिसकी आवश्यकता सामायिक है, जिसकी आवश्यकता भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी हो रही है, जिसकी क्रियाएं भी सामायिक है, तो उसको देखने जाते हैं तो ये एक तरह की वास्तविकता है। एक दूसरे तरह की वास्तविकता जिसकी आवश्यकता निरंतर है, जिसकी क्रिया निरंतर है, जिसको हम लोग चैतन्य कह रहे हैं। तो इस बात का अध्ययन हम लोगों ने किया कि हम मानव जड़ और चैतन्य का वो एक्सिस्टेंस है, सह अस्तित्व है, जिसमें जड़ की आवश्यकता जड़ से, चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य से पूरी होती है। इस बात को और सूक्ष्मता से अपने भीतर देखने का काम अभ्यास टू में हम लोगों ने शुरू किया था कि हम इस बात को अपने ऊपर और फोकस करके देखें कि कब हम शरीर को देख रहे हैं, कब हम सेल्फ को देख रहे हैं। तो हमने इस बात का अध्ययन करने का प्रयास किया था, जब हम सेल्फ को देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, तो शरीर में कुछ संवेदना हो रही है, अलग अलग तरह की संवेदनाएं शरीर के अलग अलग भाग में देख पा रहे हैं। कुछ बाहर गतिविधि हो रही है, उसकी सूचना हम शरीर के इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के इंद्रियों पर जो हलचल हो रही है, उससे जो संवेदना हो रही है उसको पढ़ के, तो एक तरह से शरीर में जो भी संवेदना हो रही है उसको देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं। साथ में ये भी ध्यान देने का हम लोगों ने कोशिश किया था कि हमने कुछ जो क्रियाएं चल रही हैं, कल्पनाशीलता चल रहा है, इच्छा चल रहा है, विचार चल रहा है, आशा चल रहा है, जब उसको देख रहे हैं तो उस समय हमको शरीर के किसी भी संवेदना को रीड करने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती। हम सीधे सीधे उसको देख पा रहे हैं। अभ्यास वन में हम लोग उसको सीधे सीधे देखने का एक गहरा काम पिछले कुछ महीनों में किया है। अब जब देखते हैं तो हम ये दोनों बातें देख सकते हैं। एक समय जब हम अपने आप पर फोकस किए हैं तो हम अपनी कल्पनाशीलता को देख पा रहे हैं, उस समय हमको शरीर के किसी संवेदना को पढ़ने की जरूरत नहीं, अपनी कल्पनाशीलता को देखने की अब सीधे सीधे उसको देख पाते हैं। फिर शरीर में कहीं पर कोई हलचल होती है, फिर संवेदना होती है, तो हम अपनी क्रियाओं को देखते हुए इस बात का निर्णय लेते हैं कि हमको जो शरीर में हो रहा है उसको भी देखना है। तो कान पर जो ध्वनि पड़ रही है उसको सुनना है, शरीर में कहीं इचिंग हो रही है उस पर ध्यान देना है, तो वापस फिर शरीर को
समझौताओं को हम पढ़ने लगते हैं। फिर जब निर्णय बनाते हैं कि हमारे भीतर तो सीधे सीधे चल रहा है कल्पनाशीलता, उसको देखना है, पर काम करना है, हम वापस फिर उसको देख पाते हैं। तो इस बात का अध्ययन हम लोगों ने किया था कि जब हम शरीर की संवेदनाओं को देख रहे हैं, शरीर में हो रहे हलचल को देख रहे हैं, और शरीर को देख रहे हैं, शरीर की क्रियाओं के आधार पर शरीर के होने का हमको तो पता चल रहा है। ऐसे ही जब हम चाहे विचार, आशा, कल्पनाशीलता इसको देख रहे हैं, उस समय तो हम शरीर की किसी भी संवेदना या शरीर में कोई हो रहे हलचल को नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीधे सीधे अपने को देख रहे हैं। तो उसके आधार पर मैं भी हूँ, मैं भी एक वास्तविकता हूँ, मेरे में भी कुछ क्रियाएं चल रही हैं, और वो क्रियाएं शरीर में चल रही क्रियाओं से अलग है। तो मेरे भीतर कुछ क्रियाएं चल रही हैं, उसको मैं सीधे सीधे देख पा रहा हूँ बिना किसी शरीर के माध्यम से, बिना शरीर के किसी इंद्रियों का प्रयोग किए मैं सीधे सीधे उसको देख पा। थोड़ा और ध्यान देता हूँ तो ये भी देख पाता हूँ कि कभी मैं शरीर की क्रियाओं को देख रहा हूँ और निर्णय ले रहा हूँ तो शरीर के इंद्रियों के माध्यम से जो तो शरीर में हलचल हो रहा है उसको भी देख पा रहा हूँ, और शरीर में जो संवेदनाएं हो रही हैं सीधे सीधे उसको भी देख पा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं जब इन दोनों को देख पाता हूँ तो ये निष्कर्ष बना पाता हूँ कि मैं भी हूँ और शरीर भी है। मैं हो रही क्रियाओं को देखने के आधार पर मैं निष्कर्ष बना पाता हूँ मैं भी हूँ, और शरीर में हो रही क्रियाओं को देखने के आधार पर निष्कर्ष बना पाता हूँ कि शरीर भी है। ये दोनों वास्तविकताएं हैं, दोनों का सहअस्तित्व है। लंबे समय से हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया है, अब थोड़ा और गहराई से अपने इस काम को देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो ये गृह कार्य आप लोगों के साथ शेयर किया गया था कि आप ये देख पा रहे हैं क्या कि मैं भी हूँ, क्या साथ में ये भी देख पा रहे हैं क्या कि शरीर भी है। इन दोनों निष्कर्ष तक आप किस प्रकार से पहुंच, आंखों से देखने के आधार पर या किसी और तरीके से? तो ध्यान जाता है कि आंखों से देखने के आधार पर भी मैं शरीर को देख पा रहा हूँ। जब आंखें बंद हो जाती तो भी शरीर में बहुत तरह की संवेदनाएं होती रहती हैं जिसको सेल्फ सीधे सीधे रीड करता है, उसके आधार पर भी मैं देख पाता हूँ कि शरीर है, और मेरे भीतर भी बहुत तरह की क्रियाएं चल रही हैं जिस समय मैं शरीर के किसी भी अंग का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ उसे देखने के लिए, मैं सीधे सीधे उसको देख रहा हूँ। तो उससे भी ये निष्कर्ष बनता है कि मैं भी हूँ। तो मैं ये दोनों निष्कर्ष बना पाता हूँ कि मैं भी हूँ, मेरा शरीर है। ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, दोनों ही हैं। तो इस गृह कार्य को आप लोगों ने पिछले 2 दिनों में किया होगा, तो इस पर आपके जो भी ऑब्जर्वेशन रहे हैं या प्रश्न है उस पर, तो हम लोग एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे। तो कुछ साथी लोगों का हैंड रेज है, मैं उनके ऑब्जर्वेशन को सुनने से स्टार्ट करता हूँ। भैया मैं बोलूं क्या? जी भैया, अपने ऑब्जर्वेशन को रखिए इस पर। भैया स्टेप 1 के बारे में ऑब्जर्वेशन नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, मैं बाद में उस प्रश्न पर रखूं क्या? मुझे लगता है कि अगर आप रख लीजिए प्रश्न को, अगर इससे रिलेट होगा तो हम लोग अभी एड्रेस कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन को देख लेंगे फिर उसको एड्रेस कर लेंगे। जी भैया, जी भैया, आप प्रश्न रख लीजिए। ऐसा होता है कि कभी वहाँ कोई भी इंसिडेंट जो होता है वहाँ पे स्थिति परिस्थिति थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहता है, और थोड़ा मेरी मान्यता तो उससे मेरे से चूक हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो फीलिंग ऑफ गिल्ट मेरे में पैदा होती है। तो फीलिंग ऑफ गिल्ट से मैं अनकंफर्टेबल रहता हूँ, जो असहज है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि मेरे प्रति रिलेटेडनेस का भाव मुझ में रहना चाहिए, तो इससे कैसे उभरे ये प्रश्न मेरा बन रहा है। जी, तो इस प्रश्न को अपने भीतर देखेंगे तो कुछ गतिविधि अपने से हुई, सेल्फ और बॉडी दोनों के को एग्जिस्टेंस को देखने को, सेल्फ में कुछ निर्णय हुआ, उसको मैंने बॉडी के माध्यम से बाहर कुछ एग्जीक्यूट किया, या अपने भीतर ही उसको कल्पनाशीलता के रूप में चलाया, और मुझे लगता है कि वह ठीक नहीं है, अर्थात उस निर्णय से मेरी हारमोनी डिस्टर्ब हो रही है।
और उसको जब शरीर के माध्यम से बाहर एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो बाहर भी डिसहार्मनी हो रही है। ये दोनों को जब मैं अपने भीतर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने तो उसको समझा था, मुझसे ये गलती वापस कैसे होगी। कि ध्यान जाते ही अपने अंदर एक गिल्ट फीलिंग होती है कि मैंने तो निर्णय बना रखा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये बात मुझे ध्यान में आ गई है, समझ में आ गई है, इसलिए मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा एक निर्णय बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझसे ये बार बार अन्यथा क्यों हो जा रहा है। ये बात पे जब ध्यान जाता है तो अपने भीतर जो बेचैनी हो रही है तो उसको हम गिल्ट फीलिंग कह रहे हैं, या उसी को कह रहे हैं भैया, या किसी और चीज को कह रहे हैं? वही 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 वो पहली बार ऐसा मिस्टेक नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ऐसे मिस्टेक हुआ, दूसरी बार तीसरी बार नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ऐसे चूक हो गई, चूक हो गई जी। हाँ और कई बार ऐसा भी होता है कि वो कई बार भी मिस्टेक होती है, 2 बार 4 बार 6 बार, जी ये जी देख सही लेने के सही बाद भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया पे जब हम ध्यान देते हैं तो ये बात समझ में आती है कि हमको किसी बात की सूचना आई, हमने उस पर जांच परख किया, जांच परख करके ये देखा कि ये हमको सहज स्वीकार है, तो हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सही है। अब जो सही है वैसा ही हमारा भाव विचार चले, वैसा ही हमारा व्यवहार कार्य चले, उसका हम एक निर्णय बनाते हैं। जब तक उस निर्णय को ध्यान पे रखे रहते हैं हम वैसा भाव विचार चला पाते हैं और वैसा व्यवहार कार्य कर पाते हैं। लेकिन साथ ही साथ देखें तो हमारे संस्कार में, हमारी कल्पनाशीलता में अन्यथा भी कई मान्यताएं, कई और चीजें, कई और विचार हमने सही मान रखा होता है, जिसका कि अभी हमने जांच परख नहीं किया होता है, मूल्यांकन नहीं किया होता है। इसलिए एक तरह से जो हमको अब सही दिखा है वो भी चल रहा होता है हमारे भीतर, और जो उससे रिलेटेड हमारी मान्यताएं हैं पूर्व की वो भी चल रही होती है। तो प्रक्रिया के रूप में जब ये देखने जाते हैं तो ये स्पष्ट होता है, जब तक जिसको हमने सही समझा उस पर हमारा ध्यान बना रहता है, हमारा भाव विचार हम ठीक चला पाते हैं, व्यवहार कार्य भी अकॉर्डिंगली कर पाते हैं। लेकिन जैसे हमारा ध्यान उससे थोड़ा हटता है, हमारे भीतर की जो मान्यताएं हैं वो हमारे निर्णय का आधार बनने लगती है, और फिर वैसा भाव विचार और वैसा व्यवहार कार्य बाहर होने लगता है जिससे मैं बेचैन होता हूँ। तो ये एक प्रक्रिया है, जब अपने भीतर ये ध्यान जाता है कि हमको निर्णय पूर्वक, होश पूर्वक जो सही है उसको देखना भी है, और जो अन्यथा मैंने सही मान लिया है अपने संस्कार में, अपनी कल्पनाशीलता में, उसको भी होश पूर्वक देख कर एक एक को ठीक करना है, उसका मूल्यांकन करना है, उसको सही करना है। जब मैं दोनों काम कर पाता हूँ तो जो मैंने सही देखा है, जिसके प्रति मेरे को स्पष्टता होती हुई है, अब वो मेरे कल्पनाशीलता का, मेरे व्यवहार कार्य का निरंतरता में आधार बन पाता है। तो सही देख लेने के बाद भी जो मुझसे गलत हो रहा है उससे मैं बच पाता हूँ। लेकिन ये एक प्रक्रिया है, जब तक ये दोनों काम नहीं कर लेता, सही को देखने वाला भी और जो अन्यथा मूल्यांकन वो मैंने सही मान रखा है मान्यताओं में अपने भीतर, उनको ठीक नहीं कर लेता, तब तक ये स्विचिंग मेरे भीतर होती रहेगी और मेरे भीतर उससे बेचैनी पैदा होती है, जिसको मैं गिल्ट कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन अन्यथा मान्यताओं को मैं और गहरे से अपने भीतर देखूं, और तब वो मेरे कल्पनाशीलता का, व्यवहार कार्य का आधार बन जा रही है बेहोशी में, उसको देखूं और होश पूर्वक उसके पीछे की मान्यताओं को देखकर मैं उसको ठीक करने का काम कर सकूं। तो ये पूरी प्रक्रिया अपने भीतर दिखेगी तो हम उस बेचैनी से बाहर निकल पाएंगे। इनफैक्ट उस बेचैनी को अपने भीतर मान्यताओं की साफ सफाई करने का एक आधार बना पाएंगे, एक उसके माध्यम से अपने भीतर और गहराई में जा पाएंगे। अभी प्रॉब्लम यह है कि वो बेचैनी इसलिए बढ़ जाती है कि हम उस पूरी प्रक्रिया को नहीं देख पाते, कि हमारे भीतर जो सही को देखने का है और चीजों को सही बनाए रखने की वो पूरी प्रक्रिया क्या है। तो आधी प्रक्रिया को कई बार हम पूरी मान के जब प्रयास करते हैं तो लगता है हमने एक बार सही तो देख लिया था, अब हमसे वैसा ही क्यों नहीं हो रहा बार बार। उसका दूसरा पक्ष जिस पर काम करना है वो ध्यान से हट जाता है, तो हमको लगता है कि देख लेने के बाद भी ये गलती हमसे क्यों हो रही है, तो ये गिल्ट फीलिंग, ये बेचैनी और बढ़ जाती है। तो अगर दोनों पर ध्यान जाए तो हम उस बेचैनी से बाहर निकल सकते हैं। जी सुबह। जी भाई जी भाई। तो जो सही है वो देखना है, और दूसरा जो उस समय भी अपने को एक बार प्रोसेस से जाना है। ये जी मुझे बिल्कुल, समझ में जी मेरी समझ इससे मे, ये मेरी समझ बनी है, क्या ये सही है? भैया। तो दो बात है कि हमने किसी चीज को देखा कि क्या सही है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि परिवार में, मानव मानव संबंध में मुझे
संबंध से स्वीकार है कि विरोध से स्वीकार है। तुरंत अपने भीतर दिखता है कि संबंध से है स्वीकार, तो सही तो दिख गया। लेकिन फिर भी दिन भर जीते हुए ऑफिस में और घर में कई बार छोटे रूप हल्के रूप में या गहरे रूप में विरोध मेरे अंदर उभर आता है। लोगों के साथ जब मैं व्यवहार में ट्रांजिट करता हूँ तो कहीं ना कहीं कोई मान्यता मेरे भीतर काम कर रही होती है कि इस परिस्थिति में तो विरोध जरूरी है, अन्यथा ये लोग सुनेंगे नहीं। यहाँ तो काम विरोध दिखाने से ही चलेगा, बिना विरोध के वो हो नहीं सकता है। कुछ इस तरह की मान्यताएं मेरे भीतर काम कर रही होती हैं, जिसके कारण वो बार बार विरोध मेरे भीतर एक्टिवेट हो जाता है। तो वो मान्यताएं कौन सी हैं जो मेरे भीतर विरोध को एक तरह से इनिशिएट कर रही हैं? यहाँ तक कि जब मैंने देख लिया है कि संबंध ही मुझे सहज स्वीकार है उसके बावजूद, तो उन मान्यताओं को जब मैं होश पूर्वक देख कर उनकी जांच कर पाता हूँ कि वो सही है कि नहीं है और उसको ठीक कर पाता हूँ, तो फिर जो सही मुझे दिख रहा है मैं निरंतरता में उसके आधार पर अपने भाव विचार को बनाए रख पाता हूँ और अपने व्यवहार कार्य को वैसा बना पाता हूँ। ये दो बात हमने किया। तो पहली बात तो सही का दिख जाना, उसके आधार पर भाव विचार को बनाना, और दूसरी चीज जो उससे रिलेटेड अन्यथा मान्यताएं मैंने अपने में बना रखी है उनको भी होश पूर्वक देख कर उनको भी ठीक करना। ये दो बात मैंने अपनी तरफ से कही थी। जी जी भैया, मैं इस पर ध्यान देता हूँ, अभ्यास करता हूँ। धन्यवाद भैया। हाँ भैया, हेलो। जी भैया, ये बात रखिए। हाँ जी, हम तो ये कह रहे हैं कि सुख हमारा स्वभाव है, प्रभाव नहीं है। तो इसके चलते कितना भागीदारी हम अपने शरीर का समझ सकते हैं, थोड़ा इस पे कुछ जी रोशनी डालिए। जी जी तो एक बार जब ये बात अपने ध्यान में आती है कि सुख हमारा स्वभाव है ना, और ये भीतर से ही सुनिश्चित होगा, अपने स्वभाव को समझकर वैसा भाव विचार सुनिश्चित है, तो मैं सीधे सीधे अपनी कल्पनाशीलता को देखने का काम शुरू कर सकता हूँ। मुझे क्या सहज स्वीकार है, संबंध व्यवस्था से अस्तित्व या विरोध अव्यवस्था और संघर्ष। तो जो सहज स्वीकार है उसको देखकर वैसा भाव विचार सुनिश्चित करके मैं अपने में सुखी होने के काम को कर सकता हूँ। एक मुख्य निष्कर्ष तो ये, लेकिन साथ ही दूसरा प्रश्न बनता है कि इसमें शरीर की क्या भागीदारी जी है। तो एक ढंग से देखेंगे तो मैं इसको सीधे सीधे भी अपने भीतर देखने का काम कर सकता हूँ, और दूसरा, अगर बहुत सारे प्रस्ताव मुझे इस संदर्भ में मिल जाते हैं जो पहले से किसी ने जांच को रख कर रखे हैं, और बहुत सारे प्रस्ताव सूचना के रूप में मुझे मिल जाते हैं, तो ये जो अपने भीतर जांच परख करने का काम कर रहा हूँ उसको और आसानी से और शार्पली में अपने भीतर कर पाता हूँ। तो जैसे ये मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर विरोध का भाव आ रहा है और मैं बेचैन हूँ, लेकिन बाहर से सूचना आ जाती है कि वह विरोध सहज स्वीकार है कि संबंध सहज स्वीकार है। ये तो बाहर से किसी ने बताया, एक सूचना आई, अब मैं उसको अपने भीतर जांच के देख रहा हूँ कि मुझे विरोध सहज स्वीकार है कि संबंध सहज स्वीकार। तो मैं बहुत जी तेजी से उसको देख पा रहा हूँ कि भाई संबंध सहज स्वीकार है, लेकिन विरोध सहज स्वीकार नहीं है। क्या सहज स्वीकार है, साथ में ये सूचना के रूप में मुझे नहीं मिलता, तो मैं अपने तरफ से सैकड़ों विकल्प जनरेट करता हूँ, फिर कोई एक मेरे में जो सहज स्वीकार है वो हिट करता है, तो मेरे को एफर्ट कई गुना ज्यादा लगाना पड़ता है। तो ये जो बाहर से सूचना लेने का काम है, उसमें आंखों का, कानों का, शरीर का एक सदुपयोग जी है। एक सदुपयोग तो यह है। दूसरा सदुपयोग यह है कि मैंने जो अपने भीतर जांच परख करके देख लिया है, अब मैं उसको बाहर व्यवहार कार्य में व्यक्त करके देखना चाहता हूँ, वहां पर भी शरीर का सदुपयोग है। जी तो मैंने जांच के देख लिया कि मुझे विरोध सहज स्वीकार है कि संबंध सहज स्वीकार, तो ध्यान में आया संबंध से है स्वीकार, उसको मैंने अपने भाव विचार को आधार बनाकर उसको फैलाया, तो मैं आराम में आता हूँ। तो एक मेरे एक परीक्षण तो मैंने अपने ऊपर वहां किया, स्वयं में निरीक्षण किया उसका, फिर उसको शरीर के माध्यम से मैं संबंध को अन्य जो मेरे संबंधी जन है उसके साथ संबंध के भाव को व्यक्त करता हूँ, तो ये देख पाता हूँ कि मैं भी आराम में बना रहता हूँ उस दौरान भी, और जब बाहर व्यक्त करता हूँ तो दूसरा भी उससे आराम में आता है। तो ये बात और ठीक से मेरे अंदर
बैठ पाती है कि जिस बात को मैंने जांचा है वो सही है, उससे मैं भी व्यवस्था में बने रहता हूँ, बाहर भी व्यवस्था हो पा। तो इस क्रम जी में जी शरीर के माध्यम से मैं जो बाहर व्यवहार कार्य करके उसको पुनः जांच रहा हूँ व्यवहार कार्य के माध्यम से, वहां पर भी शरीर का सदुपयोग है। जी भैया, तो ये दो मुख्य सदुपयोग है स्वयं पर ध्यान जाने के बाद। हाँ, तो मुख्यतः ये हम ये सेल्फ के द्वारा सेल्फ को देखना है, तो शरीर का थोड़ा सब्सिडियरी रोल होता है। जी, जिस समय जी सेल्फ के द्वारा सेल्फ को देख रहे हैं, है ना, उस समय तो हम पूरी तरह से सेल्फ पे काम कर रहे हैं और शरीर में जो क्रियाएं चल रही हैं उस पर समय समय पर ध्यान देते हैं जब भी आवश्यकता होती है। नहीं आवश्यकता लगती तो अपने पे काम करते रहते, क्या सही है उसको देखने का, जो सही है वैसा भाव विचार अपना ठीक करने का, और ये सब करके मैं अपने में हारमोनी में हूँ कि डिसहारमोनी में हूँ उसको जांचते रहने का। तो इतना काम करता हूँ उस समय तो पूरी तरह से सेल्फ में काम कर रहा हूँ, तो शरीर को मैं स्थिर एक जगह पे आराम से आराम दे सकता हूँ, ये पोस्चर में बिठा सकता हूँ, कुछ काम में लगा सकता हूँ। तो ये एक तरह से ऑप्शनल मेरे ऊपर रहता है कि शरीर को काम में लगाऊं या बैठ करके पूरी तरह से अपने को दूं। जी जी लेकिन ये बात तो ठीक है कि सेल्फ पर जब काम कर रहा हूँ उस समय शरीर का बहुत रोल है, सूचनाएं लेनी है या बाहर कुछ ट्रांजिट करना है तब शरीर का रोल। जी हाँ, समझ में आया। धन्यवाद आपका। निधि दीदी जी भैया, हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ, एक नेक्स्ट स्लाइड का हम लोग दिया है। तो आज हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों से इस बात को देखने का प्रयास किया कि मैं भी हूँ शरीर भी है, शरीर में हो रही क्रियाओं के बाद को देखने के आधार पर मैं ये निष्कर्ष बना पा रहा था या बना पा रहा हूँ कि ये शरीर भी है, मेरे में भी कुछ क्रियाएं चल रही हैं, पर जिस समय मैं उसको देख रहा हूँ उस समय शरीर की संवेदनाओं को देखना जरूरी नहीं है और मैं ध्यान दू ना दू वहाँ च्वाइस है। तो शरीर के संवेदनाओं को, शरीर में हो रही क्रियाओं को देखे देखने बगैर या शरीर के किसी इंद्रियों का प्रयोग किए बगैर भी मेरे भीतर कुछ क्रियाएं चल रही हैं उसको नसीबे से तो देख पा रहा हूँ, तो उसके आधार पर मैं ये निष्कर्ष बना रहा हूँ कि मैं भी हूँ और ये शरीर भी है। अब इस अभ्यास को जारी रखते हुए हम लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी अगला मुख्य स्टेप ये है कि मैंने इस बात को तो देख लिया कि मैं भी हूँ शरीर भी है, इन दोनों में कुछ आदान प्रदान भी हो रहा है क्या, मैं और शरीर के बीच कुछ आदान प्रदान भी हो रहा है क्या, अब उसको भी देखने की आवश्यकता है। जैसे मैं शरीर को कोई संकेत देता हूँ, जिन भी संकेतों को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ उनको मैं शरीर को देता हूँ, शरीर से जो भी मैं काम लेना चाहता हूँ वैसा शरीर को संकेत देता हूँ, जैसे उठो बैठो चलो पोस्चर चेंज करो, अभी संगल से बैठो वो संगल पे थोड़ा मूव करो, ऐसे तमाम तरह के संकेत मैं शरीर को देता रहता हूँ। शरीर में अकॉर्डिंगली चेंजेस आते रहते हैं, शरीर अकॉर्डिंगली मूव करता रहता है। ये जो संकेत दे रहा हूँ मैं बॉडी को सेल्फ के माध्यम से, ये भी एक प्रकार की सूचना ही है। ठीक उसी प्रकार से शरीर में कुछ घटनाएं घट रही हैं, उसके आधार पर शरीर में कुछ संवेदनाएं हो रही हैं, और जिन भी संवेदनाओं को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ उनको पढ़ता हूँ उनका आस्वादन करता हूँ, तो ये जो शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूँ, ये संवेदनाएं भी एक तरह की सूचनाएं हैं। तो मैं अभी मैं शरीर को एक पोस्चर में बिठा दिया और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं सेल्फ में हो रही क्रियाओं को देखूं, और मैं देख रहा हूँ थोड़े समय बाद मेरे को शरीर के किसी अंग पे कान पे मैं कोई ध्वनि सुनाई देती है और कई सारी ध्वनि सुनाई देती है, तो मैं एक निष्कर्ष बनाता हूँ कि मुझको ये वाली ध्वनि का आस्वादन करना है। तो जिस भी ध्वनि को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ उसका पहले आस्वादन करता हूँ, अगर किसी भी ध्वनि को महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ तो बाहर बहुत सारी ध्वनि होती रहती है
लेकिन उसके बावजूद भी मैं सेल्फ के भीतर जो काम कर रहा हूँ वो जारी रहता है। कई बार तो मुझे वो ध्वनि हुई भी इसका पता नहीं चलता। ठीक उसी तरीके से आप बैठे हैं किसी एक पोस्चर में, आप शरीर को दूसरे पोस्चर में बिठाते हैं। इन दोनों घटनाओं के बीच सेल्फ में क्या हुआ? एक पोस्चर में आप बैठे थे, उससे शरीर में एक तरह की संवेदना हुई, उस संवेदना को आपने महत्व दिया और कुछ निष्कर्ष बनाए कि शरीर में कुछ थकान हो रही है या कुछ ऐसी संवेदनाएं आ रही हैं जो आपके आपने उसको ठीक नहीं माना है, दर्द हो रहा है। अब आपने अपने भीतर एक निष्कर्ष बनाया कि पोस्चर को चेंज करें, तो शरीर में एक चेंज हुआ। तो शरीर में छोटे छोटे जो चेंजेस भी हो रहे हैं, हाथ का हिलाना, पैर का हिलाना, 4 कदम आगे चलना या एक ही जगह बैठकर थोड़ा बहुत हिलना डुलना, ध्यान देंगे तो इन सब में भी आप बॉडी को संकेत दे रहे हैं। लेकिन इस निष्कर्ष को अपने भीतर देखने के बाद ही स्वीकारना ठीक है कि छोटी छोटी घटनाएं भी जो शरीर में हो रही हैं उसमें भी आप सेल्फ को संकेत दे रहे हैं या नहीं। तो दो महत्वपूर्ण काम इस अभ्यास में अपने को करना है कि सेल्फ और बॉडी, ये दो वास्तविकताएं हैं उसको हमने देख लिया। अब कब ये सेल्फ बॉडी को कोई संकेत दे रहा है, उठो बैठो चलो या तमाम तरह के मूवमेंट करो, उसको ध्यान से अपने भीतर देखना है। साथ ही साथ कान पे कुछ संवेदना हो रही है, आँख खोल रहे हैं तो आँखों के माध्यम से कुछ पता चल रहा है, या आँख और कान पर ध्यान नहीं दे रहे तो भी शरीर के विभिन्न अंगों में अलग अलग समय अलग अलग तरह की संवेदनाएं आती ही रहती हैं। तो सारी संवेदनाओं को आप रीड कर रहे हैं, तो कई सारी संवेदनाएं एक साथ अंगूठे में भी हो रही है, हाथ में भी हो रहा है, पैर में भी और पीठ में भी हो रहा है, लेकिन किसको पढ़ना है उसका आप एक निष्कर्ष बनाते हैं अपने भीतर, उस वाले को पढ़ते हैं। एक समय तक उस संवेदना को पढ़ते हैं, फिर आपका निष्कर्ष बनता है कि दूसरी संवेदना को पढ़े, तब तक दूसरे को पढ़ने लगते हैं, तब तक कान पे कोई ध्वनि आती है, आप निष्कर्ष बनाते हैं वापस कान पे ध्वनि को पढ़ते हैं। तो एक तरह से शरीर में भी बहुत तरह की हलचल हो रहे हैं जिसको आप संवेदना के रूप में पढ़ रहे हैं, ये भी एक सूचना है। ये दोनों तरह की गतिविधियों को अपने भीतर आप देखने का थोड़े समय तक प्रयास करेंगे कि सेल बॉडी को कुछ संकेत दे रहा है समय समय पर, और शरीर में हो रहे हलचल को, संवेदनाओं को सेल्फ रीड कर रहा है, उसमें भी सेल्फ का निर्णय शामिल है, उसको रीड करना है कि नहीं, उसको तो खैर देखेंगे आगे पहले तो निर्णय कितना शामिल है, बट इसको तो जरूर देखें कि सेल्फ में जो भी, बॉडी में जो भी हलचल हो रही है उसको सेल्फ रीड कर रहा है। तो दो तरह की चीजों को हम लोग अपने भीतर देखने का काम करेंगे अगले 5 से 7 मिनट। तो मैं 5 से 7 मिनट आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि इस अभ्यास को अपने भीतर करके देखें और उसको ऑब्जर्व करें, फिर हम लोग उस ऑब्जर्वेशन को देख करके चर्चा करें। अगले 5 मिनट तक मैं अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं दूंगा, हम लोग इन दोनों चीजों को, दोनों बातों को अपने भीतर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। जी ठीक है, तो हम लोग अभ्यास को अभी रोक सकते हैं और जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारे इस अभ्यास दो के स्टेप 1 और स्टेप 2 से संबंधित उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है उस पर अपने शेयरिंग आप रख सकते हैं हैंड रेज करके। जी भैया, मैं एक ऑब्जर्व कर पाई रखूं? जी जी दीदी रखें। भैया, जब आपने कहा कि हमें अभ्यास करना है तो मैंने आईज क्लोज किए और फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे टाइम की ओर भी देखना चाहिए, तो मैंने बहुत जल्दी से आंखें खोल दी और मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई और टाइम के बारे में देखती रही, तो वो मुझे एक ध्यान आया कि ये सूचना मैं दे रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग शरीर में वैसे क्रिया हो रही है, और जिनको मैंने इम्पोर्टेंट माना कि मेरे लिए टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त, और मैंने सोचा असाइनमेंट में बाद में कर लूँगी, तो वो भी ध्यान आया कि जिसको ध्यान दे रही हूँ उसको मैं पढ़ रही हूँ। जी तो इस पूरी प्रक्रिया में देखेंगे तो एक समय हमने निर्णय बनाया कि हमें इस अभ्यास पर ध्यान देना है,
निर्णय जब बना तो ये निर्णय सेल्फ में बना, तो उसके तहत हमने बॉडी को एक निश्चित पोस्चर में बैठाने का निर्णय लिया और उस निष्कर्ष को उस एक तरह से संकेत को शरीर को दिया कि आंखें बंद करो। तो उस समय सेल्फ में एक निर्णय हुआ और वो संकेत सेल्फ ने वो शरीर को दिया, तो शरीर में जो भी आंख बंद करने की प्रक्रिया हुई वो शरीर में हुई, आंखें बंद हो गई। तो एक कुछ सेकेंड या कुछ मिनट के लिए आप बैठ पाए, ये शरीर में कुछ हुआ। फिर उसके बाद आपके सेल्फ में कुछ और प्रक्रियाएं चली कल्पनाशीलता में, जिसके तहत जो महत्वपूर्ण चीज है वो कुछ और दिखा। यदि आंख बंद करके बैठ रहे हैं तो टाइम की मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी, टाइम मॉनिटर करना है इसलिए जरूरी है, उसको देखते रहना है, उसके लिए आंखों को खोलना जरूरी है। तो सेल्फ में एक निर्णय हुआ कि आंखों को अभी अगले कुछ मिनट तो खोल के रखना ही पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया सेल्फ में चली, बहुत क्षण भर के लिए चली लेकिन ये क्रिया सेल्फ में चली। वहां पर कुछ निर्णय बना और उसको फिर हमने शरीर को संकेत दिया, और फिर शरीर में जो आंख है उसकी पलकें हमने खोली तो वहां खोल के हम उसको देख पाए। तो इस पूरी प्रक्रिया में भी हम इन दोनों क्रियाओं को अपने भीतर देख पा रहे होंगे कि कुछ सेल्फ में हो रहा है, फिर सेल्फ वो बॉडी को कुछ संकेत दे रहा है, उसमें बॉडी में कोई क्रिया हो रही है। तो ये दोनों को हम अलग अलग अपने भीतर देख पा रहे होंगे, थोड़ा और ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे। सीधी जी भैया, धन्यवाद। हमारे साथियों से निवेदन है, अगर आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन या शेयरिंग रखना चाहते हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। अभ्यास 2 हमने जो शुरू किया है। नमस्ते भैया, नमस्ते। मैं ऑब्जर्वेशन भैया रखता हूँ। जी। मुझे लगा कि शरीर से जो जब हम एकदम स्वस्थ रहते हैं, फिटनेस रहता है, तो एक तरह की संवेदना आती है। तो मुझे लगा कि मेरे जो शरीर से संवेदना जो हो रही है वो उतनी फिटनेस का नहीं आ फिटनेस की संवेदना नहीं आ रही है। तो मुझे लगा कि अभी और कुछ जो फिजिकल जो एक्सरसाइज जो है, योगा जो है, वो करना है, ऐसे मुझे लगा। ये मैं ऑब्जर्वेशन कर पाया। जी, तो आपने शरीर में कुछ संवेदना हो रहा था उसको रीड किया, तो वो एक घटना है, वो एक प्रक्रिया है जो आपने ध्यान दिया होगा। फिर आपके कल्पनाशीलता में कुछ चला कि जिस तरह की संवेदना शरीर से इस समय आ रही है, उससे आपने कल्पनाशीलता में कुछ निष्कर्ष बनाया कि इस संवेदना कहाँ से है, कि शरीर के इस भाग में या शरीर के इस भाग में कुछ अव्यवस्था है, जिसके आधार पर आप एक निष्कर्ष बना पा रहे हैं कि शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं। उस अर्थ में हमें कुछ और क्रियाएं शरीर के स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए करना पड़ेगा। ये सारा कुछ सेल्फ में चला, और जिस समय शरीर से कुछ संवेदना आप रीड कर रहे थे वो शरीर की हो रही क्रियाओं को आप रीड कर रहे थे। ये दो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं आप अपने भीतर देख पाए हो। उसके आधार पर आपकी कल्पनाशीलता में ये भी चला होगा कि अब इस तरह के एक्सरसाइज, इस तरह की योगा, इस तरह के प्राणायाम को ऐड करेंगे तो शरीर की जो अव्यवस्था का सो हमको संवेदना मिल रहा है वो व्यवस्थित हो सकता है। तो वो भी आपके सेल्फ में चल रहा है। तो महत्वपूर्ण बात इस पूरे में यह है कि कब सेल्फ में चल रहा है और कब वो बॉडी को संकेत दे रहे हैं, उससे कब बॉडी में कुछ हलचल हो रही है, फिर हम उस संवेदना को पढ़ रहे हैं। एक तरह से ये तीनों चीजों को हम देख पाए कि बॉडी में कब क्या क्रिया हो रही है, सेल्फ में क्या हो रही है, और कब दोनों में ट्रांजेक्शन हो रहा है, सेल्फ की तरफ से बॉडी में और बॉडी में हो रही संवेदनाओं को फीड कर। जी बोलिए। जी भैया, जी भैया, नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। सबको नमस्ते। ये जो संवेदना के पार्ट को जो कह रहे हैं, ये शरीर का पार्ट है या जीवन इसको महसूस कर रहा है? तो जीवन जैसे रूप रस गंध जो कह रहे हैं शरीर में होने वाला, तो महसूस करने वाला तो जीवन है, और ये शरीर में शरीर के पार्ट है, इसको कैसे, इसको संवेदना को शरीर का जीवन का पार्ट है, इसको अलग अलग करके देख पाए। जी भैया, तो अभी देखेंगे तो आप जैसे बैठे हैं इस समय, तो बैठे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी ध्वनि, मेरे बोले गए शब्द आप तक पहुंच रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में कुछ
कुछ आपके कान पर कुछ हलचल हो रही है, उसको आप रीड कर रहे हैं, है ना। इसको अगर आप थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे तो एक ये प्रक्रिया उसको देख सकते हैं, या आप अपने शरीर को एक किसी पोस्चर में बिठा दें, है ना, तो शरीर में भी बहुत तरह के जो संवेदनाएं हैं वो उस पर हम ध्यान दे सकते हैं कि कहीं पर दबाव बन रहा है, कहीं इचिंग हो रही है, कहीं पर कपड़े का स्पर्श आ रहा है, तो देखेंगे तो शरीर में कुछ गतिविधि हो रही है और उस गतिविधि को या तो आप पढ़ रहे हैं या फिर आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपका क्या निष्कर्ष बनता है कि आपके कान पे कुछ ध्वनि आ रही है या शरीर में कहीं कुछ इचिंग हो रही है या कुछ गतिविधि हो रही है, तो आप सारे को पढ़ते हैं या किसी को निर्णय पूर्वक पढ़ते हैं, किसी को नहीं पढ़ते हैं, क्या अनुमान है? हाँ एकदम, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि शरीर में संवेदना हो रही है पढ़ना और नहीं पढ़ने की बात, तो एकदम फास्ट है। जहाँ जहाँ जैसे अभी आप कह रहे थे कि ध्वनि कान में पड़ रही है, उसका कुछ ना कुछ कान में का प्रभाव जो कह रहे हैं वो दिख रहा है, या शरीर को कोई भी स्थिति में रखे हैं, तो ये इतनी फास्ट, ये जो बार बार जो परिवर्तन हो रहा है, तो अलग अलग अंगों अलग अलग भाग को देख पाना ध्यान देने से देख पा रहा है, और अन्यथा देख जैसे खुजली कर रहा हूं तो वो हाथ ऑटोमेटिक चला जा रहा है। जी तो भैया, जी, तो इसमें पढ़ने पढ़ने का काम, महसूस करने का काम तो जीवन का है, मूल बातें तो ध्यान जा रहा है, और संवेदना जो हो रही है वो शरीर में हो रही है, इसको ऐसे कहें। जी, तो ये एक निष्कर्ष है और जो ठीक ही निष्कर्ष है, लेकिन इसी निष्कर्ष को हमको बारीकी से और ऑब्जर्व करना है कई और उदाहरणों के लिए, कई और घटनाओं के लिए। ये जो निष्कर्ष बना है जिस पर अभी हमारा बहुत कॉन्फिडेंस बन भी पा रहा है या थोड़ा बहुत नहीं भी बन पा रहा है, वो और साफ होगा। तो शरीर में कहीं इचिंग हुई और हाथ उसको खुजाने लगा, तो ऐसा जी लगता है कि दोनों साथ साथ घटित हुआ, उसमें सेल्फ का क्या, बॉडी का क्या, बहुत साफ साफ दिख नहीं पाता है। जब हम इसको बारीकी से होश पूर्वक देखने की कोशिश करते हैं तो शरीर में कुछ कहीं पर घटना घट रही है, कुछ हलचल सी मच रही है, उसका संकेत हम तक आता है। जब संकेत मिलता है जिसको हम पढ़ते हैं, फिर उस पर निष्कर्ष बनाते हैं कि इस पर कुछ प्रतिक्रिया करनी है कि नहीं करनी है, कुछ उसको हैंडल करना है कि नहीं करना है। तो कई जगह शरीर में इचिंग सी हो रही होती है, हम उसको हैंडल नहीं करने का भी निर्णय बनाते हैं, ठीक है अपने आप खत्म हो जाए। कई जगह लगता है कि ये ज्यादा हो गया तो हम उसको हैंडल करने के लिए कुछ निर्णय बनाते हैं कि उसको खुजाना ही पड़ेगा, और फिर हमारे सेल्फ से एक इंस्ट्रक्शन जाता है जिससे बॉडी में हाथ में कुछ मूवमेंट होता है, और फिर उस पर्टिकुलर जगह पर कुछ एक टीचिंग जैसी जो भी खुजलाने की प्रक्रिया है उसको हम कर रहे हैं। ये इतना जम्बल्ड अप है कि इसमें कब क्या अलग अलग हो रहा है। शुरुआत में तो आप कह रहे हैं जो बात ठीक ही है कि बहुत अलग अलग दिख नहीं पाता है, लेकिन अपने को कभी 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितना भी समय हो, होश पूर्वक बैठना चाहिए, निर्णय बना करके हमें इन्हीं चीजों को देखना है। ये जो छोटे छोटे निर्णय भी ले रहे हैं, शरीर के पोस्चर को एक जगह से दूसरे जगह बदल, एक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल देने का, कमर को कभी सीधा कर लेने का, रीढ़ की हड्डी को कभी झुका देने का, ये सब में भी मेरे सेल्फ और बॉडी दोनों के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो धीरे धीरे हम इसको और बारीकी से देख पाएंगे कि शरीर की एक स्थिति थी, उससे शरीर में एक तरह का संवेदना हुआ, उसको मैंने पढ़ा और उसको मैंने महत्व दिया, उसके आधार पर मैंने पुनः कोई निष्कर्ष बनाया और वो संकेत वापस शरीर को दिया, फिर शरीर में कोई हलचल हुई, फिर वापस पोस्चर चेंज। तो इसको सूक्ष्मता से बारीकी से देखने के काम को थोड़ा समय निकाल कर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हम आज दिन में करें, 2-4 बार उसमें देख पाए इस तरह की चीजों को, तो हमारे भीतर इस बात को लेकर और स्पष्टता बन जाएगी कि भले ही ये बहुत फास्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैंने उसको अभी बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण करने का निर्णय नहीं लिया था, इसलिए बहुत एक साथ जम्बल्ड अप एक ही दिख रहा था वो। लेकिन जब मैंने निर्णय लिया तो धीरे धीरे 2-4-5 जगह की चीजों पर मैं देख पाया कि शरीर में कुछ घटना हो रही, फिर उसमें मेरे में कुछ हो रहा है, फिर मेरे द्वारा कुछ संकेत शरीर को दिया जा रहा है, फिर शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है, इसको सूक्ष्मता से मैं देख पाऊँ। जी भैया,
जी भैया, जैसे आँख का पलक जैसे अभी झपक रहा है, तो ये भी निर्णय पूर्वक हो रहा है। इसमें भी देखेंगे भैया, तो एक निर्णय तो शामिल ही है, आँख के प्रोटेक्शन को लेकर मैंने अपने में एक निर्णय बना रखा है, और आँख की पलक झपकती रहती है, लेकिन मैं निर्णय बना लूं कि थोड़ी देर नहीं झपकाना है, हाँ झपकाता हूँ, निर्णय जी बना लूं कि अब उसको जो है आँख का प्रोटेक्शन करना है, उसके लिए हवा का दबाव है तमाम तरह के हलचल बाहर होती रहती है, तो एक निष्कर्ष के साथ वो उल्टा बंद, हाँ जैसे वो सांस वही कह लेने रहा को हूँ, ही आप देखें। ऑटोमेटिक नहीं है कह रहा हूँ, मैंने ऑटोमेटिक अपने आप नहीं हो रहा है। जी, एक निष्कर्ष निर्णय मैंने बना लिया है जिसके तहत तो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मैं उस प्रक्रिया को रोकना चाहता हूँ, तो थोड़े समय के लिए रोक भी पाता हूँ। हाँ जी, जी भाई, सांस का भी है, ऐसे देखेंगे तो लगता है सांस ऑटोमेटिक चल रही है, सेल्फ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन हाँ, आप निर्णय बना लीजिए तो एक एक मिनट, 30 सेकेंड, 2 मिनट आप रोक ही पाते हैं। तो और रोकने इनफैक्ट रोकने जी, रोकने का निर्णय लेता हूँ तो पता चल रहा है कि मैं इसको निर्णय पूर्वक चला रहा हूँ करके, लेकिन जैसे सहज जो जो सहज जो माने चलना फिरना सामान्य है, उसमें बहुत पता नहीं चलता है। पता नहीं चल रहा है। जी, बस वही हाँ वही चीज को जी भैया। जी, इसीलिए हम लोग ये सब जांच परख थोड़ा आराम से कर रहे हैं समय लगाकर, तो आप ये सांस वाली क्रिया को भी कभी करके देखिए, या बैठ ठीक, जाइए एक जगह पर और निर्णय बना लीजिए कि हम तो थोड़ी देर सांस नहीं लेंगे। अब आप देखिए कि शरीर में और आप में क्या क्रियाएं हो रही, तो जैसे ही आप निर्णय बना के बैठते हैं कि अगले कुछ मिनट हमको सांस नहीं लेना है अंदर, तो आपको क्या महसूस होता है, तो दिखता है कि ना एक बेचैनी सा हो रहा है शरीर में, शरीर में कुछ घटनाएं घट रही हैं जिससे आपका आप अपने आप में बेचैनी महसूस कर रहे हैं। अब उस बेचैनी के तहत आप सांस लेने का निर्णय ले भी सकते हैं, और ये भी निर्णय ले सकते हैं कि इस प्रयोग को थोड़ी देर और जारी रखने देखते हैं, देखते हैं कि अगर थोड़ी देर और सांस नहीं लेते हैं तो ये बेचैनी कम होती है कि बढ़ती है। तो आप उस क्षण सांस लेने के निर्णय को बनाए रखते हैं कि नहीं लेना है, अभी निर्णय लिया आपने कि सांस अभी नहीं लेना है, ये सेल्फ में क्रिया, शरीर में आपने है ना सांस को लेने का प्रक्रिया नहीं शुरू हुआ, वो होल्ड ही रहा, ये शरीर में क्रिया, लेकिन उससे शरीर में बेचैनी और बढ़ने लगी, तब वो बेचैनी शरीर में बढ़ रही है, शरीर में कुछ और हलचल तेज हो रही है, आप उसको रीड कर पाएंगे, आप उसको रीड करेंगे फिर आप अपने पर ध्यान दे के देख पाएंगे कि अभी पड़ी हुई बेचैनी को भी मुझे अभी रोकना है या सांस लेना शुरू कर देना है, तब ये सेल्फ में कुछ चल रहा है। फिर एक पॉइंट पर आप निर्णय बनाते हैं कि अभी थोड़ी देर और रोकते हैं, तो आप पुनः फिर उसको रोक पाते हैं और वो धीरे धीरे बेचैनी बढ़ती है, तब आप देखेंगे इस प्रक्रिया को अगर 1-1.5 मिनट करें तो आप शरीर के भीतर जो हो रहा है और अपने भीतर जो हो रहा है दोनों को ठीक से देख पाएंगे, और एक पॉइंट पर आप निर्णय बनाते हैं कि अब सांस ले लेते हैं, तो संकेत आपने बॉडी को दिया, पुनः बॉडी में कुछ हलचल हुई, आप उसको रीड कर पाए। तो इस अभ्यास को भी कभी 1 मिनट दिन में बैठ कर करने की कोशिश करें, तो और सूक्ष्मता से हम सेल्फ और बॉडी के भीतर हो रही क्रियाओं को देख पाएंगे, और दोनों के बीच जो संकेत और सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है उसको भी और बारीकी से देख पाएंगे। इसको करना चाहिए, कल हम लोग और इससे जुड़े हुए जो ऑब्जर्वेशन है उसको लेंगे। हम लोग की अपेक्षा है कि आज दिन में कभी आप लोग थोड़ा समय लगा के बैठें और इसको सूक्ष्मता से अपने भीतर देखने का काम करें कि आप चल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, कब सेल्फ की क्रिया इन्वॉल्व है, कब बॉडी में जो चल रहा है वो, जब एक जगह बैठे हैं तब सेल्फ और बॉडी में क्या हो रहा है, लेटे हैं तब सेल्फ और बॉडी में क्या हो रहा है, ये भी देखें, और थोड़ी देर आधा घंटा लगभग एक जगह स्थिर होकर बैठ करके भी इसको देखने के काम करें। जी दीदी, मुझे लगता है कि समय ऑलरेडी 4-5 मिनट अधिक हो गया है, तो रश्मि कुमारी जी का हैंड रेज है और इनसे फिर हम लोग कल बात करेंगे। रश्मि जी आप कल हैंड रेज करें तो कल आपके ऑब्जर्वेशन को लेंगे, तो निधि दीदी आप कंक्लूड कर लें आज के दिन। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए, और सभी का धन्यवाद। अभ्यास 2 जो हमने शुरू किया है, और हम क्वेश्चंस और शेयरिंग्स रखकर अपना एक्सप्लोरेशन जारी रख पा रहे हैं।